हीटर चालू करते हैं ना, जैसे ये थर्मोस्टेट है हमारा यॉर्क का, तो इसमें आप हीटर इस ये है और आप हीटर चालू करते हैं मशीन में, तो कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिए, आपका हीटर चालू कर रहे हैं ना तो हीटर हीट ऑन कर देंगे, फिर फैन आपका ऑटो पे रहेगा ना, ब्लोअर नहीं चलेगा, कभी भी चलेगा ही नहीं, ब्लोअर आपको ऑन करना पड़ेगा। आप ब्लोअर ऑन कर देंगे तो आपका मशीन चलने लगेगा, हीटर भी चालू हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लोअर जैसे ऑटो पे है, ब्लोअर नहीं चलेगा लेकिन हीटर आपका चलेगा, हीटर का कॉयल ऑन रहेगा, वो चलता रहेगा, तो हीटर ज़्यादा चल चल के ऊपर हीट होके जल जाएगा ना, इसलिए आपको क्या करना है, ऑटो पे ऑन कर देना है। अब ऑन कर देंगे तो सही है, चलने लगेगा, लेकिन क्या है, कस्टमर का डिमांड ये रहता है कि चलो भाई ऑन ऑन हो गया एक बार, फिर अपना गर्म गर्म हो गया रूम तो ऑफ होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, आपको मैं दिखाता हूँ ऑटो पे चलने के लिए, इधर आ जाइए पीछे इसके, और तीन आपको मिलेगा कनेक्टर, 1 2 3। ऊपर वाला में देखिए लिखा है गैस और इलेक्ट्रिकल HP, दूसरे वाले में लिखा है इलेक्ट्रिकल गैस प्लस HP, और जी सबसे नीचे वाले में लिखा है ONP। तो ONP को भी नहीं छेड़ना है और दूसरे वालों को भी नहीं छेड़ना है, हमें फर्स्ट वाले को क्या करना है, गैस लिखा है ना, तो गैस जो कि हमारा जम्पर है गैस गैस पे है, तो जम्पर हमको ये निकाल के, जम्पर हम निकालेंगे और लगा देंगे इलेक्ट्रिकल और HP पे, जम्पर निकाल के और हम लगाएंगे इलेक्ट्रिकल और HP पे। अभी इलेक्ट्रिकल और HP पे हो गया, देख सकते हैं आप, तो इससे क्या होगा, आपका ब्लोअर ऑटो पे चलेगा। पहले क्या था, ऑन ऑटो पे नहीं चलता था, केवल ऑन पे ही चलता था ब्लोअर, अभी जो है ऑटो पे चलेगा आपका।